तो फाइनली आ गया इतने टाइम से वेट करने के बाद। आ तो क्या गया, ले आया मैं, और ये अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स है। और एक्चुअली अनबॉक्सिंग मैंने इसकी पहले कर दी थी। कलर इसका वही डीप पर्पल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। इस कलर को लेने के लिए और 14 प्रो मैक्स को लेने के लिए वजह से मेरे को काफ़ी एक अच्छा खासा प्रीमियम इसके ऊपर और इसका देना पड़ा। तो ये मैंने सेटअप तो कर रखा है कि तो बस मैंने वीडियो पर्पसेस के लिए इसमें डाला था। बट यार मस्त है ये। अब ये इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी भारी भरकम हो गई, जितनी इसकी प्राइस है उससे ऊपर भी पैसा दे दिया इसके लिए। बट ये है कि चलो यार, अब क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी वीडियोस वगैरह की, कैमराज वैमराज काफ़ी अच्छे हैं इसके, ये नॉच वगैरह ये वो। तो अब जो फाइनली जो वीडियो बन रही है इससे आईफोन 14 प्रो मैक्स से बन रही है, और देखो उसकी क्वालिटी कैसी है, मेरे को बिल्कुल अभी आइडिया नहीं। मैं पहली बार इसे शूट कर रहा हूँ कोई भी वीडियो या कुछ भी, तो आप लोग बताओ कैसी क्वालिटी। आई थिंक अच्छी होनी चाहिए यार, इतना महंगा फ़ोन है। और मैं प्राइस इसके डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि जिससे मैंने लिया है एक्चुअली काफ़ी प्रीमियम में बिक रहा है, 10 से 12 15 हज़ार रुपये तक प्रीमियम में बिक रहा है। बट जिनसे मैंने लिया थोड़ी सी प्राइस मेरे को अच्छी दे दी इनने, और कलर भी अच्छा मिल गया जो मेरे को चॉइस का कलर था। तो बात ऐसी है कि एक सडनली प्लान थोड़ा बन गया दिल्ली जाने का। अभी अर्जेंटली वैसे प्लान तो नहीं बना, काम आया हुआ था, बट वो उनका कॉल आया कि अभी अर्जेंटली आपको आना पड़ेगा, कल मॉर्निंग सुबह जल्दी मेरे को पहुंचना है वहाँ पे। तो बस अभी दिल्ली के लिए निकलना है, और अपनी ये गाड़ी नहीं लेके जा रहे, गाड़ी दूसरी लेके जाएंगे। ये वाली गाड़ी को थोड़ा क्या दिल्ली में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इनकी टाइम हो गया ना गाड़ी को, वो दिल्ली में जो नए रूल्स आए उसके हिसाब से गाड़ी ये कंप्लाइंट नहीं है। पकड़ेगा तो 50 हज़ार रुपये का, 40 से 50 हज़ार रुपये का फाइन लग जाता है। एक तो मैंने कवर मंगाया था अमेजोन से, काफ़ी मेरे को सही लगा। बाकी तो मैंने लोकल मार्केट में तो देखे बिल्कुल कवर अच्छे मिले नहीं। ये कि ट्रांसपेरेंट ब्लैक में काफ़ी अच्छा ये वाला कलर मेरे को इसका लगा। एक्चुअली मैं ये थोड़ा बहुत सामान लेने आया था, देख रहा था यार क्या क्या लेना है, तो वही सब चेक कर रहा था कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ी दूसरी जाएगी तो उसमें चार्जर और केबल होगी नहीं, तो वीडियो वीडियो भी तो बनाने ना भाई, तो फिर कहाँ से करेंगे बताओ। चार्ज भी तो ज़रूरी है। बैटरी बड़ी अच्छी है वैसे, पुराने वाले को तो पूरे टाइम चार्जिंग में लगा के रखो, ज़्यादा ये होता था इसकी। देखो अभी नया भी है वैसे, पर अच्छा है यार। दिल्ली 268 और अभी फाइनल निकल गए हैं। कौन सी है, रेनॉल्ट की डस्टर है ये गाड़ी। ये गुड़गांव में जाना है एग्जैक्टली, गुड़गांव में अपने एक घर है, मतलब अभी वहीं रुकेंगे क्योंकि कल सुबह का अर्ली मॉर्निंग का काम है, तो अभी निकल गया हूँ। और वैसे दिन में इस टाइम निकलने का लगभग 3 बजे हैं, इस टाइम निकलने का फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक काफ़ी कम मिलेगा। तो बस अभी देखो स्पीड लिमिट भी पे चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह इंटरसेप्टर खड़े होते हैं। पहले टोल पे आ गए और देखो किस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़ कर रखा है इधर। तो ये कहीं गाड़ी वो नहीं है ना, ये मेरी गाड़ी का फास्टैग है, जबकि देखो नंबर अलग है, बट फिर भी ये चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत आई नहीं इसमें। तो उनने वो वहाँ से स्कैन हो नहीं रहा था, तो उसने बंदे ने आके वो मशीन से उसने पास में आके उसको स्कैन कर दिया। गर्मी हो रखी है देखो, अभी भी ऐसे चल रहा है दिसंबर के महीने में। जगह जगह इधर वो खड़ी है इंटरसेप्टर, अभी दिल्ली 240 तो इसलिए 80 से नीचे चला रहे हैं गाड़ी। ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं देखो पहाड़, पर ये पूरे सूख जाते हैं इस टाइम। जब मानसून का सीज़न आता है ना तब तो एकदम हरियाली इतनी शानदार हो जाती है, बट जयपुर का एंट्री एग्जिट लो ना इस साइड से, तो इतने मस्त लगते हैं ये पहाड़। ये देखो ये भाई साहब को पकड़ लिया इधर इंटरसेप्टर ने, भाई हम तो जयपुर वाले हैं पता ही रहता है हमें कहाँ पुलिस है कहाँ नहीं है। कम से कम 4 जगह पुलिस मिली इतने से, चांदबाजी तक पहुँचा हूँ अभी तो, इसलिए भाई ध्यान रखो यहाँ जो भी आए, गाड़ी ज़्यादा तेज ना चलाई जाए। दिन में सोच कर तो ये निकला था कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, पर देखो इतना भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। 60-70 से ऊपर चल ही नहीं पा रही गाड़ी, क्या करें। और ये 5 बज गए और अब एंटर करें हरियाणा, देखो ये हरियाणा का बोर्ड, और बस हरियाणा घुसने के बाद ही आपको लाइन से मिलेंगे खूब सारे पेट्रोल पंप। देखो भरे पड़े हैं पेट्रोल पंप से, यहाँ नहीं तो ट्रक्स इतने हैं ना कि दिख नहीं रहा, क्योंकि सस्ता इतना है ना यहाँ पे। तो फाइनली दी अर्बन किंग रुका हूँ मैं, तो ये हरियाणा बॉर्डर में एंटर करने का थोड़ी देर बाद ही आता है, और बस वैसे कुछ खाना पीना नहीं है, बस एक चाय का ब्रेक लेने के लिए। काफ़ी देर से मतलब कब से यार, 3 बजे से भी पहले से गाड़ी चला ही रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो ऐसी कुछ जगह है ये। बाकी अभी अंधेरा भी होने वाला है, ट्रैफिक भी और बढ़ेगा वैसे यहाँ पे, बट इसलिए लगा था कि रुक लेते हैं और देख लेते हैं, पहले चाय वाय पी लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक कर लें, थोड़ा ट्रांजिशन भी हो जाएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। अपने को एग्जैक्टली तो आज तो गुड़गांव ही जाना है, तो अब यहाँ से आई थिंक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा होगा। तो ये आ गया पकौड़े चाय और शाम का व्यू हाईवे का। गुड़गांव जाते हुए ना गुड़गांव वाला जो टोल आता है मानेसर क्रॉस करके, इससे तो जा नहीं रहा मैं, ये यहीं से यूटर्न ही ले रहा हूँ, क्योंकि
इस टाइम ऑफिस आवर्स हैं तो बुरा हाल हो जाना अंदर घुसते हुए, यहीं से इतना जाम लगा हुआ है पीछे। देखो भाई, गुड़गांव में आपका स्वागत है, दिल्ली NCR में। हाल देखो ट्रैफिक का, बुरा हाल है भाई। 25 मिनट से खड़ा हूँ। तो जी फाइनली पहुंच गए ये जो अपनी डेस्टिनेशन। सॉरी थोड़ी लाइट काफ़ी कम आ रही होगी, पता नहीं मेरे को, लगे 4-4.25 घंटे लगे जिसमें बीच में चाय पीने भी रुक गया था मैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पर इधर देखो इतना यहाँ पता नहीं चल रहा होगा, इतनी पोल्यूशन है ना। मैं कुछ 3x पे दिखाता हूँ ना, इस पर भी नहीं आ रहा, पर देखो ये अगर आपको समझ आ रहा हो तो वो देखो नीचे देखो लाइट पे, देखो कैसे पोल्यूशन हो रही है। रात का टाइम इसलिए तो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा, पर सही है, मतलब इतनी पोल्यूशन फील हो रही है लिटरली यहाँ पे कि सांस लेने में दिक्कत फील हो रही है। बस अभी पहुँचूंगा, थोड़ा फ्रेशन अप होऊंगा, ओके कुछ अगर प्लान बनता है तो मैं ऐड कर दूंगा उसमें। The next day. मुझे गुड मॉर्निंग, और अभी गुड़गांव से निकल कर दिल्ली के लिए जिस काम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ 9 बजे पहुँचना है, 8:15 तो हो भी गए। और फॉग हो रखी है, देखो यहाँ स्मॉग है, वैसे ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है बट स्मॉग ज़्यादा हो रखी है। और इस साइड तो इतनी कम ही क्योंकि हाईवे पे थे, बट पहले जहाँ पे रह रहे थे, जहाँ वो अपार्टमेंट्स वगैरह थे गुड़गांव में, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी थी, कुछ दिख भी नहीं रहा था आगे। तो जी फाइनली भी पहुँच गए जो डेस्टिनेशन थी जहाँ पे काम है। अब काम मेरा तो इतना है नहीं, मेरा काम तो बाद में होगा, थोड़ा सा ही है, और जो भाई आया साथ उसका काम है तो वो अपना काम निपटाएगा पहले, तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा। तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन है नहीं, मैं बैठा वेट कर रहा हूँ गाड़ी में। ठंड तो बहुत ज़्यादा है बाहर, और अभी कुछ है भी नहीं, देखता हूँ कुछ खाने पीने को मिल जाए तो हल्का फुल्का। तो फाइनली निकल गए वापस जयपुर के लिए, निकल गए टाइमली पहुँच जाए वापस घर, क्योंकि घर जाके जयपुर में भी शाम को 2-4 काम निपटाने, इससे मैं रुक के लंच कर लेंगे और बस फिर इस टाइम ट्रैफिक कम मिलना चाहिए, वैसे दिल्ली एक बार क्रॉस हो जाए। ये देखो अभी यहाँ मैकडी में रुका था मैं, और ये देखो बाहर इन्हें ये फॉरेन वाला सिस्टम लगा दिया, जिसमें वो वहाँ बैठे ऑर्डर करते हैं ना। ये अगर फॉरेन में देखो आपने तो ज़्यादातर मैकडीज और ये जो ड्राइव थ्रूज होते हैं उनमें यही होता है, पर पता नहीं यहाँ लोग इसको चलाएं नहीं चलाएं वो बात है, अभी तो बंद पड़ा है। डीजल कितना है यहाँ? 89 सस्ता है डीजल हरियाणा में, इसलिए मैं को है कि यहीं से भरवा लो। राजस्थान में तो 3.5-4 रुपये का फ़र्क आ जाता है डीजल में, तो यहाँ से भरवा। रुके और काफ़ी देर से रुके भी नहीं, थोड़ा बाहर निकल के स्ट्रेच भी कर लिया, टैंक फुल ही करा दिया गाड़ी का, थोड़ा सा तो आ ही जाता है, और बस 2300 बहुत है, 25.7 लीटर। जो जयपुर बाईपास उस पर आ गया, और घर बस आने वाला है, लगभग पहुँच ही गया 10-15 किलोमीटर में, और बस काम वाम जो था वो हो गया, रिश्ते में कहीं रुके ही नहीं, फिर इतनी भूख थी नहीं किसी को भी, तो बस सीधा सीधा निकलते हुए जयपुर ही आ गया। क्या लगा घर ही चलते, फिर वहीं बैठ के आराम से बैठ, मतलब बाकी सब चीज़ें घर पे करें। हाँ, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। बाय, सनसेट एंजॉय करो।